नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज की 7 फरवरी सोमवार शाम की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की दिन भर की हलचल। आज विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। हमारी मांग यह है सर्वप्रथम कि इस महाविद्यालय को भगवाकरण न किया जाए। और महाविद्यालय के कुलपति को यह हमने चेताया है कि अगर आप जल्द से जल्द अपने रवैये पर नहीं ठीक करते हैं तो आगे चलकर NSCI इससे भी उग्र प्रदर्शन करेगी। हाल ही में कुलपति जी के आदेश पर नियम विरुद्ध एडमिशन किए गए हैं। हम गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके दोषी होंगे। सोमवार का दिन शहर में राजनीतिक उथल पुथल के नाम पर रहा। RSS के सहयोगी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बंद की ताल ठोकी, तो कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हुए विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। NSUI पदाधिकारियों ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को NSUI नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंजूल त्रिपाठी ने बाबा श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर अपने अभियान का आगाज किया। उनका काफिला देवास रोड से होता हुआ विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचा और यहां बेकाबू कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर जबरन यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की। बैरिकेड तोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का गेट फांदने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई अधिक होने की वजह से वह अंदर प्रवेश नहीं कर सके। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे के बुलावे पर एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। NSUI ने कुलपति पर फर्जी कोर्स संचालित करने और आवैधानिक नियुक्तियां करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष मंजूल त्रिपाठी के अनुसार यूनिवर्सिटी के कोर्स केवल रेवेन्यू बढ़ाने के काम आ रहे हैं, इनका विद्यार्थियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। रतलाम के नामली में महज 2 कमरों में कॉलेज संचालित किया जा रहा है। वहां 600 छात्र और 300 छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन एक शौचालय तक नहीं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है विश्वविद्यालय पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कितना गंभीर है। विश्वविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालय के निदेशकों को नियुक्त किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। इन्हीं अनियमितताओं के चलते घेराव किया गया। आज विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। हमारी मांग यह है सर्वप्रथम कि इस महाविद्यालय को भगवाकरण न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसे छात्रों की पढ़ाई के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहां की जानकारी हमें प्राप्त है कि यह कॉलेज पूरी तरह से राजनीति का अड्डा बन चुका है। तो हम आज सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरा, मध्य प्रदेश में लगातार छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, उसके लेकर आज हमारा यह घेराव था। और हमारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में NSUI का एक आंदोलन चल रहा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ, उस मुहिम को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और महाविद्यालय का घेराव करके छात्रों के हित के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और महाविद्यालय के कुलपति को यह हमने चेताया है कि अगर आप जल्द से जल्द अपने रवैये पर नहीं ठीक करते हैं तो आगे चलकर NSUI इससे भी उग्र प्रदर्शन करेगी। कुलपति ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि सभी कोर्स विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही 50 तरह के पारंपरिक कोर्स संचालित किए जा रहे थे। नए कोर्स से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। अनियमितताओं के संबंध में जांच की जा रही है। NSUI का आज प्रदर्शन था, उसमें उन्होंने कुछ मांगे अपनी रखी हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित हैं, कुछ प्रवेश वगैरह से संबंधित हैं। अब वो अभी हम उसको स्टडी करके उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी मांगे हैं उस पर विचार करेंगे। मैं अपने को भी सोचूंगा, यदि हम कोई गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए हमारे विद्यार्थी, देखिए क्या होता है कि विश्वविद्यालय बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी जानकारी नहीं रहती है, और यदि हम गलती करते हैं, ये सबकी संस्था है, यदि हम गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके दोषी होंगे, और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पे भी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल 100% छात्रों के साथ हूँ। सर, ये नहीं, फर्जी तो हम अभी नहीं मान इसलिए नहीं सकते कि कुलपति के पास पूरी फाइल बन के आती है। हर फाइल को कुलपति नहीं करता है, लेकिन वो फाइल भी सोलंकी जी की फाइल को पूरी तरीके से हम दिखवाएंगे और उसको हम लीगल, उस पर लीगल ओपिनियन हम एकाद जो हमारे एकाद जज हैं उनसे हम लीगल ओपिनियन भी ले लूँगा।
एनएसयूआई के प्रदेश चीफ मंजुल त्रिपाठी को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अंतर नहीं मालूम। सोमवार को विक्रम विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करने आए मंजुल त्रिपाठी अपने संबोधन में बार बार यूनिवर्सिटी को महाविद्यालय बोलते रहे। हमारी मांग यह है सर्वप्रथम कि इस महाविद्यालय को भगवाकरण न किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहां की जानकारी हमें प्राप्त है कि यह कॉलेज पूरी तरह से राजनीति का अड्डा बन चुका है। त्रिपाठी ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर रहे हैं, हम इसका ही विरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियां की जा रही है, विक्रम विश्वविद्यालय राजनीति का अड्डा बन गया है। एनएसयूआई पूरे देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है, इसी के तहत प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई लाठियों से नहीं डरती और वह विरोध करती रहेगी। सच में अवंतिका का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जो भव्यता 1 मार्च को दुनिया के सामने आने वाली है। यूं समझे कि सप्तपुरियों में से एक प्राचीन अवंतिका में पहली बार शिव दीपावली मनाई जाएगी। यह महाशिवरात्रि और दीपावली का संगम पर्व होगा। देवालयों से लेकर घर तक सजेंगे। शिप्रा के दोनों किनारे सहित शहर 11 लाख दीपों से जगमग होगा। उत्सव का उत्साह यहीं नहीं थमेगा, घाटों पर आतिशबाजी की जाएगी ताकि आसमान भी सतरंगी हो जाए। 1 लाख से अधिक घरों पर जब दीप जलेंगे तो रात को भी अवंतिका दिन की तरह प्रकाशित दृष्टिगोचर होगी। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 मार्च का दिन महाशिवरात्रि की वजह से खास होगा। इस दिन भगवान महाकाल और माँ पार्वती के विवाह का उत्सव अवंतिका में नजर आएगा। शिप्रा के घाटों से घरों की दीवारों तक टिमटिमाते असंख्य दीप अलौकिक छटा बिखेरेंगे। दीपों की जगमग से मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के दोनों किनारे जगमगाएंगे। अवंतिका के घाटों सहित कुंड मंदिर और घरों की चौखट भी रोशन होगी। शिप्रा के तट पर दीपोत्सव की भव्यता शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। वे इस अद्भुत क्षणों के साक्षी बनेंगे। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ख्वाहिश है कि महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपोत्सव मनाया जाए। उनकी इसी ख्वाहिश को साकार करने के लिए प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में सोमवार शाम बृहस्पति भवन में कलेक्टर की मौजूदगी में मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया कि इस आयोजन के 10,000 वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे। हर 100 दीपक पर एक वॉलंटियर मौजूद रहेगा। 5 से 6 लोगों की समिति भी बनाई जाएगी जो इस आयोजन को मॉनिटर करेगी। इस दौरान जो समस्याएं आएगी उन्हें समिति हल करेगी। 28 फरवरी को शिव बारात भी निकाली जाएगी। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, सभी धर्मों के प्रतिनिधि, व्यापारी एवं अन्य लोग मौजूद थे। कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि 1 मार्च को शहरवासी तय समय पर अपने घरों प्रतिष्ठानों की लाइट बंद कर 5 दीपक जरूर जलाए और इस आयोजन के भागीदार बने। आज बैठक में ये भी फैसला हुआ कि 5-6 लोगों की एक समिति भी बनाई जाएगी जो डे टू डे बेसिस पे, जो हमारे पास लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, उन पे इस चीज़ को लगातार मॉनिटर करेगी। इसमें जो समस्याएं आएंगी उनको हल करने का काम करेगी। वो समिति का गठन भी अभी हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि जो समय तय होगा उस समय अपने घर की लाइटें बंद कर सभी लोग कम से कम 5 दिए अपने घरों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर आपका है वहाँ पर ज़रूर लगाएँ। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, घाट हैं, मंदिर हैं, दूसरे इस प्रकार की चीज़ें, वहाँ पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति संस्था उसमें भागीदारी देना चाहती है, कुछ सहयोग करना चाहती है, तो उसका स्वागत। शिप्रा के पानी की क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब नया सिस्टम लगाने जा रहा है। इसके चलते शहर में 3 स्थानों पर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। शासन से भी इसके लिए अनुमति मिल चुकी है, जल्द ही इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। दरअसल शिप्रा में खान नदी के जल से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन कई तकनीकें अपना रहा है, बावजूद इसके शिप्रा में प्रदूषण बदस्तूर जारी है। सिंचाई विभाग द्वारा राघो पिपलिया पर खान के गंदे पानी को डायवर्जन इंटरसेप्शन करके कालियादेह पर डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन यह भी नाकाफी है। 100 करोड़ की यह योजना फेल हो चुकी है। अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग शिप्रा की शुद्धता के लिए खान के पानी की निगरानी की नई व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत त्रिवेणी, राघो पिपलिया और लालपुर में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे शिप्रा जल में तापमान, पीएच, बीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन, सीओडी, टीएसएस, टीओसी की लगातार मॉनिटरिंग होगी। यह परिणाम एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाए जाएंगे। शासन से मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति भी मिल चुकी है, जल्द ही इन्हें लगा दिया जाएगा। आपको बताते चले, पीने योग्य पानी में डीओ 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा, बीओडी 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम व कॉलीफ्रॉम एमपीए प्रति 100 मिलीग्राम होना चाहिए।
वस्तुतः इसका मुख्य काम जो है वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा राघव पल्लिया में जो डायवर्सन इंटरसेप्शन करके पानी को लेकर काली नदी में डिस्चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा छिपरा की वाटर क्वालिटी के परीक्षण हेतु 3 कंटिन्यूस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे शासन से अनुमति मिल चुकी है और शीघ्र ही इनकी स्थापना राघवगढ़ पिपलिया त्रिवेणी एवं लालपुर पर की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उइके श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार को उज्जैन आई थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 33% का बिल पास हो गया है, लोकसभा से भी यह जल्दी ही पास हो जाएगा। आदिवासी समाज के विकास के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें यूं तो आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन इस पर और काम करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे टकराव पर उइके ने कहा कि राज्यपाल और सीएम में टकराव नहीं होना चाहिए, दोनों के समन्वय से ही प्रदेश बेहतर चल सकता है। इससे पहले उज्जैन पहुंची उइके ने श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले भी श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आती रही हैं, इस बार कोरोना के कारण उन्हें आने में देरी हुई और भविष्य में शायद लोकसभा में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा कि पहली बार एयरफोर्स से लेकर और पायलट और तमाम जगह महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, ये पहली बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं और अन्य क्षेत्रों में भी। और मैं भी तो खुद महिला हूँ और मेरा हमेशा रहता है कि महिला सशक्त हो। टाटा कंपनी को शहर भर में सीवरेज लाइन डालने का काम नगर निगम ने सौंपा है, लेकिन कंपनी ने काम के नाम पर शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। मरम्मत और सीवरेज के ढक्कन लगाने में भी इतना लापरवाही की है कि आए दिन इससे हादसे होते हैं, कुछ लोग तो जिंदगी से हाथ धोकर बैठे हैं। इसे लेकर हंगामा हुआ, ज्ञापन दिए, अधिकारियों से शिकायतें की गई, लेकिन कंपनी पर जुर्माना लगाने से ज्यादा निगम अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। अब शहरवासी अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ताज़ा मामला शांति पैलेस के समीप का है। यहाँ मुख्य मार्ग के समीप टाटा कंपनी ने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गड्ढे को खोदे हुए 2 माह बीत चुके हैं। यहाँ चारों ओर स्टॉपर लगाकर काम को अधूरा ही छोड़ दिया गया। इससे यातायात तो बाधित हो ही रहा है, लेकिन लोगों की जान मुश्किल में है। रात में राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बढ़ जाती है। आसपास के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सका। अब देखना है प्रशासन फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है या जल्द इसकी मरम्मत करवाता है। सरकारी जमीन पर सरपंच ने पट्टे काट कर बेच दिए, मामले की शिकायत हुई और करीब 1 साल तक जांच चली। अब कलेक्टर ने सरपंच को पद से हटाकर घर बेच दिया है। दरअसल यह मामला इंदौर रोड के जमालपुरा की सरपंच जतनबाई पति रामेश्वर आंजना का है। जतनबाई ने गांव की सरकारी जमीन पर पट्टे जारी कर दिए, जबकि सरपंच को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। गांव में SDM ही पट्टा बांट सकते हैं, लेकिन सरपंच ने बाले बाले खेल करते हुए करीब 60 से अधिक पट्टे जारी कर दिए। इसकी शिकायत हुई और करीब 1 साल तक जांच की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सरपंच जतन बाई को दोषी मानते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि जतन बाई के पति रामेश्वर आंजना पूर्व में मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पूर्व विधायक दिवंगत कल्पना पारुलेकर के खास समर्थक रह चुके हैं। आंजना की माँ भी मंडी अध्यक्ष रह चुकी है। मंगलनाथ रोड स्थित महामाया आश्रम पर 20 फरवरी से 1 मार्च तक शत चंडी यज्ञ किया जाएगा। ये यज्ञ कोरोना महामारी के प्रकोप को शांत करने के लिए किया जाएगा। सोमवार को यज्ञ के लिए ध्वजारोहण किया गया। मंगलनाथ रोड स्थित महामाया आश्रम में सोमवार को ध्वजारोहण किया गया। भूमि पूजन के बाद ध्वजा फहराई गई। शत चंडी यज्ञ के पूर्व ध्वजारोहण किए जाने की परंपरा है। महामाया आश्रम के संस्थापक सुरेश्वर दास महाराज ने बताया, कोरोना महामारी का प्रकोप कम करने के लिए शतचंडी महायज्ञ किया जाता है। उज्जैन में यह यज्ञ 20 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 युवतियों का निःशुल्क विवाह कराया जाएगा। इस मौके पर 11,000 तुलसी पौधों का वितरण करने की भी योजना है। आज जो कार्यक्रम हम जब कर रहे हैं, जो यज्ञ शतचंडी महायज्ञ होता है, इस शतचंडी महायज्ञ के पहले ध्वजारोहण होती है, वो ध्वजारोहण आज हम कर रहे हैं। वही कार्यक्रम
आज सभी संयोग से, सभी भक्तों के संयोग से इसको पूर्ण कर रहे हैं। और आप जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे जो संयोगी देवी जी हैं, कथाकार भागवत कथा जिनके मुखारविंद से होगी राधे जी, और श्रीधाम बरसाने से हमारे संयोगी हैं चंद्रावली जी, राधे किशोरी जी, बाकी ये बताएं। और अब खबरें दे दनादन। लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय ने राज्य स्तरीय टेबल टेनिस पुरुष महिला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, इंदौर संभाग एवं विश्वविद्यालय की पुरुष महिला टीमों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में उज्जैन संभाग ने रीवा संभाग, इंदौर संभाग ने सागर संभाग और भोपाल संभाग ने जबलपुर संभाग को हराया। महिला वर्ग में जबलपुर संभाग ने ग्वालियर संभाग और रीवा संभाग ने भोपाल संभाग को हराया। सिंधी समाज अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महाशिवरात्रि पर 21-21 दीपक प्रज्वलित करेगा और लाइटिंग भी करेगा। सिंधी समाज जनों ने उज्जैन वासियों से अपील की है कि वह घरों एवं प्रतिष्ठानों पर महाशिवरात्रि पर सायकाल 7 बजे दीपक लगाए, जो रात्रि 9 बजे तक प्रज्वलित होते रहें। जज्बा सोशल फाउंडेशन ने जिक्र जाकिर कार्यक्रम कर अपने सदस्य जाकिर खान को याद किया। इस अवसर पर संस्था की तरफ से स्कूली बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया गया। साथ ही कराटे प्रतियोगिता में उज्जैन का नाम रोशन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। फाउंडेशन की तरफ से अपने दिवंगत साथी के परिवार को 5,52,000 रुपए की राशि भी दी गई। सैयद जी हसन जी बादशाह के 340वें उर्स मुबारक के मौके पर बहोरा समाज के नजमी ग्रुप ने दांतों की निशुल्क जांच की। नजमी ग्रुप के अध्यक्ष खोजेमा चांदा भाई वाला ने बताया कि कैंप में डॉक्टर अली असगर पतला वाला ने अपनी सेवा दी। इस मौके पर रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। बहोरा ब्लड ग्रुप टीम जीवन दाता सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के लोगों का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। तो आपने देखा भाई न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।